एक्सप्रेशंस, ये क्या होता है कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ऑपरेटर का हो गया, कांस्टेंट का हो गया, वेरिएबल्स का हो गया, फंक्शन कॉल्स, मतलब ये सब जितने सारी मतलब हमारे पास फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो होगा, एक वैलिड कॉम्बिनेशंस, वो हमारा जो होता है क्या, एक्सप्रेशंस होगा। अब एक्सप्रेशंस है, और ध्यान रहे कि और इसका जो रिजल्ट होगा वो अरिथमेटिक, मतलब कुछ भी हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेशन एक्सप्रेशन हो सकता है, और रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है, या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हो सकता है। तो उसी तरीके से जब एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, तो एक्सप्रेशन हमारा जैसे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इसको सी में हमने असाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। ए प्लस बी, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू थ्री प्लस टू प्लस फोर, ये भी हमारा क्या हो गया, एक एक्सप्रेशंस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने अगर एक बात करूँ, ए में मैंने लिख दिया थ्री इंटू फोर प्लस इंटू थ्री प्लस टू माइनस फाइव, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक एक्सप्रेशंस हो गया। तो एक्सप्रेशंस, और इसके बाद जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ए में एक हमने फंक्शन कॉल कर दिया और इसको सपोज की वैल्यू कुछ पास कर दिया, ये भले समझ ना आया, अभी फंक्शन पढ़ेंगे तो फुल्ली क्लियर हो जाएगा, बस हमें ये ध्यान देना है कि एक्सप्रेशन क्या कहते कहते किसको है। तो ये सारे जितने हैं ना अभी मैंने लिखे, तो ये सारे क्या है कि एक्सप्रेशंस होते हैं, और ये हम कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, कहीं कंट्रोल स्टेटमेंट अगर हमारा यूज होता है वहाँ कर सकते हैं, सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशंस है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट्स, देखते हैं।